अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिरकार तमाम गरीब खानदानों की इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई। हुकूमत की जानिब से 3 नए प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया, जिन प्रोग्राम के ज़रिए हुकूमत की जानिब से ख़वातीन हज़रात को भी इमदाद मिलेगी और मर्द हज़रात को भी इमदाद मिलेगी। ख़वातीन हज़रात को हुकूमत की जानिब से BISP प्रोग्राम के ज़रिए 9,000 रुपये की जो नई किस्त है वो मिलना स्टार्ट हो चुकी है, और साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो खानदान बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब जाकर हुकूमत की जानिब से असास राशन राय प्रोग्राम की पेमेंट का आगाज किया जाएगा, तो तमाम गरीब खानदानों की इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हुकूमत की जानिब से असास राशन राय प्रोग्राम का आगाज कर दिया। हुकूमत की जानिब से 4500 रुपए की जो नई पेमेंट है वो भी मिलना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपको इस पेमेंट हासिल करने से पहले आपको इस प्रोग्राम में अप्लाई करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से उन खानदानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है जो खानदान यूटिलिटी स्टोर की जानिब से अपनी इमदाद वसूल करना चाहते थे, क्योंकि हुकूमत की जानिब से यह भी ऐलान किया गया है कि जो खानदान पहले यूटिलिटी स्टोर के जरिए रायत के जरिए यानी रायत आटा दालें या फिर कुछ चीजें परचेज कर रहे थे, लेकिन बाद में इस प्रोग्राम को बंद कर दिया था, लेकिन अब दोबारा फिर इस प्रोग्राम का आगाज कर दिया। आप किस नंबर पर आप SMS सेंड करके हुकूमत की जानिब से ये जो यूटिलिटी स्टोर का जो रायत के साथ आपको जो राशन दिया जा रहा है उसमें आप किस तरीके का जरिए अप्लाई करके अपनी इमदाद को वसूल करेंगे, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। लिहाजा आज किस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, आज किस वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देखना। चलेगा इस वीडियो के अंदर तो उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होगी, अगर आप इस चैनल पर नए आज के नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी मोबाइल के स्क्रीन पे लेके चलता हूं, बाकी बातें आपको वहां पर बता देता हूं कि आप इन तीनों प्रोग्राम्स की पेमेंट को चेक किस तरह करेंगे, इन प्रोग्राम में अप्लाई किस तरह करेंगे, और साथ साथ यूटिलिटी स्टोर का जो सस्ता रायत आटा या फिर दालें दिए जा रही हैं वो आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर मैं आपको सबसे पहले जो यूटिलिटी स्टोर के जरिए आप बा रायत आसानी तरीके कार के जरिए अपना जो राशन है हासिल कर सकते हैं उसमें अप्लाई करने का तरीके कार को आपको समझा देता हूं। आपने क्या करना है, यहां पर 5566 यानी 5566 पर आपने क्या करना है, अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है यहां पर आपने इसी तरह सेंड करना है। फॉर एग्जांपल यहां पर एक शनाख्ती कार्ड नंबर मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं अगेन यहां पर आपकी आंखों के सामने फॉरवर्ड करता हूं। फॉरवर्ड करने के बाद कुछ ही देर के बाद आपको इस तरह का एक OTP आएगा। इस तरह का जैसे ही OTP आएगा आते सार फौरी तौर पर आपको यह बताया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए आहिल हैं। यहां पर देखें मैंने अभी यहां पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड किया है और यहां पर उन्होंने कह दिया है कि यूएस शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड विद द, यानी कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो आपका ये वाला मोबाइल रजिस्टर्ड हो चुके और आप जाकर अपनी इमदाद को फौरी तौर पर इसी नंबर के जरिए SMS सेंड करके अपनी इमदाद को फौरी तौर पर वसूल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपना जो ऑफिशियली मोबाइल नंबर है उसके जरिए आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करना है। या वो कह रहे हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर यानी शनाख्ती कार्ड नंबर है इस नंबर से रजिस्टर्ड है, आप इस नंबर से मैसेज करेंगे फिर आपको इस तरह का एक OTP है वो फौरी तौर पर आपको रिसीव हो जाएगा और आप अपनी इमदाद को फौरी तौर पर वसूल कर सकते हैं। जैसे आपको ये OTP आएगा, OTP को लेकर किसी भी करीबी दुकान पर या फिर किसी भी करीबी यूटिलिटी स्टोर पर दिखाकर आप अपना जो रायत के जरिए आपको आटा दिया जा रहा है, दालें दी जा रही है, मुख्तलिफ अशिया दी जा रही हैं वो जाकर अपन अपनी वसूल कर सकते हैं। उसके बाद आप जाता है कि हुकूमत की जानिब से जो 4,000 रुपये की नई इमदाद का ऐलान किया गया जो कि असास राशन रायत प्रोग्राम, तो मैं आपको बता दूँ ये एक प्राइवेट अदारा है जिसका नाम है JDC फाउंडेशन और असल इस एप्लीकेशन का नाम है ताकतवर पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर आपने बेनिफिशरीज के ऊपर आ जाना है, आने के बाद वैसे बेनिफिशरी के ऊपर आएंगे, आने के बाद यहाँ पर आपने अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही आसानी तरीके कार के जरिए कर लेनी है। और मजे की बात है कि इस एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आपकी आसानी के लिए ताकि आपको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और यहां पर आपने नीचे साइन अप को टाइप करना है, फिर आपने JDC फाउंडेशन को आना है, यहां पर आपने उसकी जो भी रजिस्ट्रेशन है वो आपने कर लेनी है। करने के बाद उसके बाद जो लास्ट ऐप है काफी जो जिस बात को लेकर परेशान है वो है बेनजीर के पैसे, बेनजीर की नई किस्त है वो मिलना स्टार्ट हो चुकी है। उसके चेक करने के लिए सिंपल सा मेथड है, यहां पर आपने क्या करना है अपना जो कौमी शनाख्ती का नंबर इस तरह ऐड करना है। ऐड करने के बाद जैसे आप यहां पर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जैसे मालूम करें टाइप करूंगा, टाइप करते सर फौरी तौर पर अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होगी तो फिर आपकी यहां पर इमदाद शो हो जाएगी, अगर नहीं हुई होगी फिर आपकी यहां पर कहा जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, आप इसमें इमदाद के हकदार नहीं है। जिनकी हुई हुई उनको किस तरह का मैसेज आता है वो भी मैं आपको यहां पर, एक और मेरे पास एक ID कार्ड है एक मेरी बहन का, तो वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। जैसे मैं यहां पर ऐड करूंगा, ऐड करने के साथ यहाँ पर देखिए मैंने अपना ID कार्ड और सारी चीज़ें मैंने फिल कर ली। फिल करने के बाद जैसे आप अपना ID कार्ड नंबर ऐड करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए आहिल, अगर आपने हाल ही में 8500 रुपये की इमदाद वसूल ली तो आप अपनी इमदाद को वसूल कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आता है तो आप अपने घर के किसी भी करीबी अदायगी मरकज पर चले जाएँ, वहाँ से आपकी इमदाद मिल जाएगी। और ये वेबसाइट आपको मिलेगी कहाँ से, उसके लिए आपने क्या करना है गूगल पर चले जाना, वहाँ पर आपने एक वेबसाइट को सर्च करना है टॉप न्यूज़ प्रो, यहाँ पर स्पेलिंग नोट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट लिंक के ऊपर टाइप करेंगे, टाइप करते सर आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी, थोड़ा सा स्क्रॉल करता जाना और यहां पर आपको क्या होगा कि यहां पर आपको लिंक दिया गया, यहां पर आपने लिंक को ऊपर टाइप करना है। जैसे आप यहां पर लिंक को ऊपर टाइप करेंगे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, यहां से आप इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।